Mir Mohammad Fayyaz. Thank you, sir. आपने मुझे सर इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका दिया जी. अच्छा ठीक है, इनकी बात कर ली. इसमें कोई शक नहीं है सर, 5 मिनट है आपके. रेलवे में बहुत सुधार आया है, लेकिन सर आपको याद होगा सर, 5 अगस्त को इसी हाउस में हमारे स्टेट का एक स्पेशल स्टेट्स 370 और 35A को हटाया गया. उसका हमने विरोध किया. पूरी दुनिया में वो मसला उजागर हो गया. हमारी सरकार ने ये कहा कि ये जो स्टेट है इसमें पिछले 70 साल से कोई विकास नहीं हुआ है. ये स्पेशल स्टेट्स जो है ये एक रुकावट है विकास में. हमारे देश में एक संविधान, एक ये निशान, एक वाहिद रियासत थी जिसमें अलग था. हमने इस रियासत को 70 साल के बाद अच्छी तरह से मिलाया. उसमें सबसे बड़ा जो हमें कहा जा रहा था विकास, 8 महीने हो गए. आज जब रेल की बात हो रही है हमें यह लग रहा था कि इस सेशन में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास होगा, ताकि उस रियासत के लोगों को यह यकीन होगा कि 70 साल में जो हमें नहीं मिला वो ये जो हमें 370 और 35A को हटाने के बाद इस सरकार ने दिया. 2011 में यूपीए के टाइम में हमारा जो रेलवे लाइन जम्मू से बारामूला जा रहा है, कहा गया कि ये 2017 में कंप्लीट होगा. 17 भी हो गया सर, फिर 18 कहा गया, अब तो 20 भी आ गया सर. वो अभी भी वहां ही है सर. इसी तरह पुनिच एरिया जो है रजौरी पुनिच का, उसमें भी यही कहा गया. मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर, लेकिन हमसे जो कहा गया, जो हमारा एक इसी सदन ने इसी मुल्क ने दिया था, वो हमसे छीना गया, जिसका हमने विरोध किया और करते रहेंगे. लेकिन जो हमें वादा दिया गया कि हम वहां विकास करेंगे, मैं आज ये अपने मंत्री जी से, रेलवे मंत्री जी से ये आज ये यकीन रखूंगा कि इस बार जब वो अपनी बात कहेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, खासकर जो रेलवे लाइन जम्मू से श्रीनगर जा रही है बारामूला, और पिछले साल हमें ये कहा गया था, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वहाँ पे, उन्होंने कहा कि बारामूला से कुपवाड़ा भी आपका जो रेल लाइन है वो मंजूर हो गया है. मैं तवक्का रखूंगा कि इस बार हमारे मंत्री जी उसका भी यहाँ पे ऐलान करेंगे. यहाँ पे बुलेट ट्रेन की बात हुई, हमने सर वो AK-47 के बहुत सारे बुलेट खाए. 1 लाख लोग हमारे चले गए उन बुलेटों से. हमें अगर सीधी ही ट्रेन मिलेगी जो यहाँ चलती है, जो देश में पिछले 70 साल से चलती है, हमें वही दी जाए, हमारे लिए वो काफी है. और बारामूला से कुपवाड़ा का जो हमें पिछले साल वादा दिया गया था कि ये हम दे देंगे, इस साल उसका भी मैं मंत्री जी से ही चाहूंगा कि वो उसका ऐलान करेंगे. शुक्रिया.